100% मार्क्स। जब मैं कहूं तभी ताली बजाओगे, नहीं तो ताली मत बजाना। बजाओ ताली। एसिड डाल दूंगा। अंजलि, एसिड डाल दूंगा। टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं चाची, मेरे एक सीनियर ने मुझे धमकी दी, मेरा फ्रेंड साथ रहेगा तो एसिड डाल देगा। वो सच में ऐसा करेगा क्या चाची? वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम उसे समझाओ कि वो जरा सावधानी से रहे। अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है। बहुत अर्जेंट है क्या? अरे मास्टर जी, क्या है? सबकी तस्वीरें तो अखबार में छपा करती हैं, आपकी तो बाथरूम के बाहर छप गई है। अरे आपका तो फोटोजेनिक फेस है। ये मेरी फोटो किसने चिपकाई? तू भी तो बहुत महान है वादेक। स्टूडेंट्स को कोई मैनर्स नहीं है सर। तेरा कटआउट नहीं बनना चाहिए, ऐसा सोच रहा तू? पता नहीं क्या समझते अपने आप को। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। अरे मारो इसको, अरे हाथ पकड़ो भैया, अरे रुको रुको, टमाटर बहुत महंगा है। देखिए सर, चीफ स्टूडेंट मेरे को टमाटर मार रहे हैं। अंडा टमाटर से भी महंगा है। अगर तू टीवी का एंकर बनता तो बहुत अच्छा होता सर। इतने लोगों में आप ही ने मेरी कला को पहचाना है सर। तू गलत समझ रहा है भाई, टीवी का सिंगर बदल सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं बदल सकते। तू जाके बैठ जा। कितना टमाटर बर्बाद कर दिया, मुझे हटाई दिया। सबको मेरा नमस्कार। अब शुरू कर रहा हूँ राधा कृष्ण का वो नाटक। राधा बनेंगी मिस अंजलि और कृष्ण मिस्टर करण प्ले करेंगे। इस नाटक को मैंने ही लिखा है। नाटक लिखना इतना आसान काम नहीं, ये एक अद्भुत कला है। कुछ लोग आसानी से लिख लेते हैं, कुछ लोग जिंदगी भर लिख ही नहीं पाते। अरे ये बोल बचन क्यों दे रहा है यार मेरी तरह? अरे लाइट किसने बंद किया, मुझे बाहर क्यों खींच रहा भाई? कितने युग हो गए कृष्णा तुमसे मिलकर, कितने युग हो गए कृष्णा तुमसे बातें कर कर। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती कृष्णा। कृष्णा अभी तक तुम्हारी आराधना करके तुम्हारी प्यार से मैं जिंदा हूँ। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो कोई बात नहीं, मगर अपने दिल में थोड़ी सी जगह देकर तुम मेरी राधा हो ऐसा कह दो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा प्रेम जीत जाएगा। तुम्हारा डायलॉग है बोलो। करण तुम्हारा डायलॉग बोलो ना। ए करण, डायलॉग भूल गया क्या? ए डायलॉग, ए डायलॉग बोलो। कोई बात नहीं, ये नाटक है, चल बोल। राधा, ये आकाश, ये जमीन, ये पानी जब तक रहेगा धरती पर, तुम हमेशा मेरी रहोगी।
ओके। हाँ? सर देखिए उधर, ये तो फेविकोल की तरह चिपक गए हैं, हटाइए इनको। ये आकाश, ये जमीन, ये पानी जब तक रहेगा धरती पर, तुम हमेशा मेरी रहोगी। कृष्णा, अपने दिल में थोड़ी सी जगह देकर तुम मेरी राधा हो ऐसा कह दो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मेरा प्रेम जीत जाएगा। सितारा, ज्योति, प्रभा, सबके लिए मेरी सोच एक जैसी है। पैसा मंदिर के पेटी में डालो या मुझे तो भगवान तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं भगवान और दान देने वाले भक्त के बीच में फ्लाई ओवर की तरह हूँ। ये सच है? हाँ। इसे जानने में तो कितनी बार धोखा हुआ है। तुम इसमें 10 रुपए डालो, 10 महीने बाद मुझ जैसा खूबसूरत प्रिंस तुमको पैदा होगा। उस समय में वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? सितंबर मार्च में एग्जाम है ना। कम्युनिकेशन गैप, इस सरस्वती माता के सामने मैं कह रहा हूँ तुम फर्स्ट क्लास से पास होगी। पहले 100 रुपए जल्दी डालो। माँ, सरस्वती माँ, ये प्रिंस कह रहा है कि ये लड़की फर्स्ट, क्या पूरे स्टेट में फर्स्ट आनी चाहिए। आशीर्वाद दो माँ, इस और दे कसम तुम पूरे स्टेट में फर्स्ट आओगी। जाओ। हेलो हेलो, आपको क्या रैंक चाहिए? सिस्टर, अगर आपके मन में कोई विनती है तो पूरा करने के लिए कम से कम 100 रुपया दो मेरे को, आपकी मन्नत पूरी होगी। दे दो मैडम। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर ने ये मन से दिया है तो उसके मन में कोई ना कोई तो होगा, या फिर जवानी में कोई पंगा चल रहा होगा। अरे भाई, तुम कौन हो जो भिखारी को लूट रहे हो? सॉरी भाई, ये 100 रुपए के बदले में मैं तुम्हें 200 रुपया दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय बाय। थैंक यू। नमो नारायणी, नमो नमः। सरस्वती देवी का दूसरा रूप लगती हो तुम, परीक्षा में अच्छे से पास होगी। मनोवांछा फल सिद्धि। भगवान जी, परीक्षा में पास होना तो आसान है, ये तो मेरे हाथ में है, लेकिन प्यार में सफल होना वो तो आपके हाथ में है भगवान जी। किसी भी हाल में मेरा प्यार कामयाब होना चाहिए। शांताकारम नागसेनम भक्तनावम सुरेशम। माधवाय नमो नमः। ओम केशवाय माधवाय नमो नमः। हर प्यार को हासिल करने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है, और मुझे मेरा प्यार पाने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा, दक्षिणा इधर दो। हे भगवान, ये तो अलग ही। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय ऑनर टू एड्रेस दिस स्पीच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन द ग्लोरियस ओकेजन ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे। We still live in the concept of unity and diversity since our independence. Let us not forget our great leaders who fought for our independence.